सब्सक्राइब कीजिए वीआर इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज विजय रॉय और आप लोग देख रहे हैं वीआर इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्या होता है किसी कमोडिटी की प्राइस और कैसे एक प्रोड्यूसर अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके का रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या होता है रेवेन्यू और उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू क्या होता है। व्हाटएवर अ सेलर गेट्स बाय सेलिंग अ कमोडिटी इज नोन एज रेवेन्यू। कि जितना भी पैसा किसी भी एक प्रोड्यूसर या किसी भी एक सेलर को मिलता है एक चीज बेचने पे, उस चीज को अपन बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैंने ये पेन बेची, ये जो पेन है मैंने बेची कितने रुपए की, 10 रुपए की। तो ये 10 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगी कि मैंने अगर ये वाली पेन है अगर 10 रुपए में बेचता हूं तो 10 रुपए मेरी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू। लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि ये वाली चीज ना हम खरीद के लाए थे कितने की, 7 रुपए की। तो ये 7 रुपए हमारे लिए क्या हो जाएगी, हमारी कॉस्ट। तो कॉस्ट किसके अंदर रहती है, रेवेन्यू के अंदर रहती है। कि 7 रुपए हमारी इस पेन की कॉस्ट थी और हम इसको बेच कितने में रहे हैं, 10 रुपए में। तो 10 रुपए हमारी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू। अच्छा, और बाकी 3 जो बचा, ये 3 क्या था मेरा, प्रॉफिट। क्या था मेरा, ये प्रॉफिट। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू वाले चैप्टर में हम लोग प्रॉफिट को कुछ पाई भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग पता होगा मैथ्स में पढ़ा था पाई, पर यहाँ पे मैथ्स वाला कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट को बोलते हैं क्या, पाई। तो कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, तो यहां पे अगर हमें प्रॉफिट निकाल तो कैसे कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटा के प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मतलब कि पाई निकाल सकते हैं। आइए तो अब हम लोग देखते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें। यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, व्हाट एवर अ सेलर गेट्स बाय सेलिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। कि इफ आई एम अ सेलर आई डू हैव 5 क्वांटिटीज ऑफ दिस कमोडिटी। कि हमारे पास इस पेन की कितनी क्वांटिटीज है, 5। अगर मैं 5 पेन बेच देता हूं तो टोटल पैसा जो मेरे पास आता है उस चीज को बोला जाता है टोटल रेवेन्यू। कि व्हाट एवर अ सेलर गेट्स बाय सेलिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। कि मान लेते हैं आउटपुट क्या है, 1, 2, 3, और मेरी प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितनी है, 10। ये पेन कितने रुपए का, 10 रुपए का है। तो अगर मैं 1 बेचता हूं तो कितना होगा, 10। 2 बेचता हूं तो कितना होगा, 20। 3 बेचता हूं तो कितना होगा, 30। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगी, अगर मैं तीनों पेनों को बेच देता हूं तो ये 30। तो दिस 30 विल बी नोन एज टोटल रेवेन्यू। अगर सिर्फ दो कमोडिटी की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, दिस 20। तो दिस 20 विल बी टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा कि जितना भी प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है, जितना भी एक सेलर को पैसा मिलता है किसी भी कमोडिटी बेचने के लिए, तो उसको बोला जाता है टोटल रेवेन्यू। फिर आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इट इज जस्ट द गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू। कि टोटल रेवेन्यू के बीच का जो गैप रहता है उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू के बीच का गैप। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, MR इज नॉट चेंज इन TR। अगर यहां पे करते हैं MR निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, चेंज इन TR करके तो पहला तो MR 10 ही रहेगा, फिर डिफरेंस इसका 10, फिर डिफरेंस इसका 10। तो MR विल बी व्हाट, चेंज इन TR। कि जस्ट हम लोग ने क्या किया कि 20 और 10 के बीच का डिफरेंस लिखा, फिर 30 और 20 के बीच का डिफरेंस लिखा। तो MR क्या होता है, सिर्फ टोटल रेवेन्यू जितना बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, जो भी हो रहा है उसमें टोटल रेवेन्यू में रिएक्शन, उसके बीच का जो गैप होता है उस चीज को बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं तीसरी चीज रहती है एवरेज रेवेन्यू। दिस इज व्हाट, एवरेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑन पर यूनिट। अगर हमने टोटल 3 चीजें बेची तो हमारा उसका टोटल निकलता है कि एवरेज हमने कितनी प्राइस पे वो चीजें बेची। तो एवरेज रेवेन्यू का कुछ इस तरीके से मामला बनता है कि एवरेज रेवेन्यू विल बी टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट। यहां पे अगर हम लोग एवरेज रेवेन्यू क्या निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट करके निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू कितना है, 10, आउटपुट कितना है, 1। तो एवरेज रेवेन्यू कितना है, 10। टोटल रेवेन्यू कितना है, 20, आउटपुट कितना है, 2। तो उसमें अगेन 10। टोटल रेवेन्यू 30, आउटपुट 3, तो अगेन 10। तो एवरेज रेवेन्यू कुछ इस तरीके से निकलेगा आउटपुट से डिवाइड करके। तो जैसा कि हम लोगों को पता है यही वाली 3 चीजें हम लोगों ने कॉस्ट वाले चैप्टर में भी देखी थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोग 2-3 वीडियोस और दे चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के ऊपर, कि किसी कमोडिटी की कॉस्ट किस तरीके से निकलती, कि कितने में मैंने ये वाला पेन बनाया था। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर आप आई बटन में क्लिक करके भी वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कि इस पेन का खर्च कितना हुआ था मेरे को बनाने पे। उसके बाद ये चीज देख लीजिएगा कि इसको अगर मैं बेच रहा हूं तो किस प्राइस पे, किस रेवेन्यू से, किस तरीके से हम लोग इसको बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि ये चीज बनती कैसा है, मतलब इस पेन का प्रोडक्शन कैसा होता है। तो इसका भी वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इधर आई बटन पर क्लिक करके आप वो चीज देख सकते हैं। इसके बाद हमने बनाया कि ये पेन बन तो गई, अब इसके ऊपर खर्च कितना निकला, कि हमारा कॉस्ट कितना हुआ, अब इसको बेचने जाना है। बेचने जाना है तो इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए।
तो यहां पे जो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एवरेज रेवेन्यू। तो ये लोग बोलते हैं कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है। क्या होता है एवरेज रेवेन्यू? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैंने बोला कैसे? तो एक्चुअली होता क्या है कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट होता है। एवरेज क्या होता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट। ये चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो टोटल रेवेन्यू देखिए तो एक्चुअली होता क्या है, टोटल रेवेन्यू मतलब कि पूरी कमाई, टोटल रेवेन्यू। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर मैंने ये वाले 5-5 रुपए के 5 पेन बेचे, अगर मैं ये वाले 5-5 रुपए के 5 पेन बेच रहा हूं तो मेरे पास पूरी कमाई कितनी होगी? 25 होगी। तो ये प्राइस क्या है? ये क्या है? 5, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और ये वाला 5 क्या है? आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस इनटू आउटपुट करेंगे तो क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू आएगा। तो टोटल रेवेन्यू का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, प्राइस इनटू आउटपुट। तो यहां पे टोटल रेवेन्यू की जगह पे वही वाला प्राइस इनटू आउटपुट अगर रख दें तो वो गलत है क्या? नहीं। तो वही वाला प्राइस इनटू आउटपुट हमने यहां पे रख दिया टोटल रेवेन्यू की जगह पे, और यहां पे देखा तो आउटपुट और आउटपुट कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली बचा क्या? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब यहां पे देखते हैं कि ये तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस ऑफ द कमोडिटी आ गया। अब यही वाली कमोडिटी हम लोग को बेचनी है कहां पे? एक मार्केट में। तो यहां पे अलग अलग तरीके के मार्केट में हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके की रेवेन्यू किस तरीके से रहेगी। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट मार्केट, दैट इज व्हाट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। कि उस बाजार की बात कर रहे हैं जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, और वो सारे सेलर्स क्या बेच रहे हैं? सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कैसा कौन सा मार्केट रहता है जहां पे सारे सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं? हाँ, कि ये कुछ इस तरीके का मार्केट रहता है। इसको अपन दे सकते हैं एग्जांपल, ग्रोसरी मार्केट। ग्रोसरी मार्केट एक ऐसा मार्केट रहता है, किराने वाला बाजार, कि एक ऐसा मार्केट रहता है जहां पे बहुत सारे दुकानदार रहते हैं, बहुत सारे खरीदार भी जाते हैं, पर सारे दुकानदार क्या बेच रहे हैं? वही एक पर्टिकुलर चीज बेच रहे हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई सारे लोगों के पास टाटा सॉल्ट मिल जाएगा, सारे लोगों के पास लक्सो मिल जाएगा, सारे लोगों के पास कोलगेट मिल जाएगा, सारे लोगों को पेप्सोडेंट मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ग्रोसरी मार्केट में इस तरीके का रहता है कि जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स तो रहते हैं, सारे लोग क्या बेच रहे हैं? सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इसी प्रोडक्ट में उन्हीं तीन चीजों की बात करते हैं, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। तो यहां पे अगर देखते हैं इस वाले मार्केट में आउटपुट के हिसाब से, 1, 2, 3, 4 के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से यहां पे एवरेज रेवेन्यू मतलब कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो भी हमने प्रूव किया कितना रहता है, कैसे रहता है। तो ये लोग बोलते हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब कि एवरेज रेवेन्यू इस वाले मार्केट में कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है भाई कांस्टेंट? कि यहां पे हम लक्सो उतने में क्यों बेच रहे हैं जितने में मार्केट से प्राइस आ रही है उसकी, कि जितने में उस पर 15 रुपए लिखा है तो 15 रुपए में ही क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि यहां पे अगर हम दिमाग लगा रहे हैं कि अगर ये 15 रुपए वाला लक्सो हमें 16 में बेचना है, कि 15 रुपए वाला यही वाला लक्सो हमें कितने में बेच रहा है? 16 में। तो 16 में ये वाला प्रोडक्ट हमसे कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि इस वाले मार्केट में एक और खूबी रहती है कि यहाँ पे बायर के पास पूरा परफेक्ट नॉलेज रहता है कि ये वाली चीज कौन सी है, कहाँ मिलेगी, किस तरीके से लेगी, कितने की मिलेगी, सब पता है बायर को उस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसको ये भी पता है कि इसकी प्राइस कितनी है, और उसको ये भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारी फॉर्म है और सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो वो हमसे 15-16 रुपए का क्यों खरीदेगा जब वो चीज को पता है कि 15 रुपए में आगे मिल जाएगी? तो यहाँ पे इस वाले मार्केट में बात करते हैं, यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब कि एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आउटपुट अगर 1, 2, 3, 4 हो रहा है तो एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट, अगेन 10। तो कुछ इस तरीके से रहेगा, अगर एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू हमने क्या बताया था कि टोटल रेवेन्यू क्या बताया था हम लोगों ने? प्राइस इनटू क्वांटिटी, और वी कैन से एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस इनटू प्राइस इज इक्वल टू क्या बताया था हम लोगों ने? एवरेज रेवेन्यू। तो 10 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
रिलेशंस की इसी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला रिलेशन कुछ इस तरीके से बनता है, इफ एआर, एआर मतलब कि प्राइस, इफ एआर इज कांस्टेंट मतलब प्राइस इज कांस्टेंट, एमआर इज आल्सो कांस्टेंट, अगर प्राइस मतलब कि एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होगा, सबसे पहला रिलेशन इस परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर। दूसरे रिलेशन की बात करते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज सिंपली एडिशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, मार्जिनल रेवेन्यू का समेशन करके भी निकल सकता है, कि हमने क्या बताया था टीआर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमआर, तो पहला आ जाएगा 10 10 और 10 20 और 30 और 40, तो यहां पे क्या बोल रहा है टीआर इज सिंपली एडिशन ऑफ एमआर, मतलब कि टीआर इज इक्वल टू समेशन ऑफ
एम आर, तो यहाँ पे ये चीज रहेगी। दूसरा रिलेशन अब हम लोग देख लेते हैं, तीसरा रिलेशन, इफ एम आर इज कॉन्स्टेंट सो टी आर विल ओनली इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट। अगर एम आर कॉन्स्टेंट है और टी आर में हम लोग सेम वही चीज 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 सेम चीज जोड़ रहे हैं, तो अगेन टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय कॉन्स्टेंट रेट। टोटल रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी, वही एक कॉन्स्टेंट 10 10 10 10 के रेट से। तो इसी का ग्राफ देख लेते, तो मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ पे आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू, वही आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू आउटपुट के बेस पे, और यहाँ आ जाएगा टोटल रेवेन्यू एक्स वाई जीरो टोटल रेवेन्यू आउटपुट के बेस पे। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या थे, कॉन्स्टेंट। तो प्राइस क्या रहेगी और मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे प्राइस, मतलब की तीनों चीजें क्या रहेगी कॉन्स्टेंट। अगर बात करते हैं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की, तो एक खरीदो दो खरीदो दस खरीदो एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगी। बात करते हैं टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर बनता है सीधा एक 45 डिग्री लाइन बनती है, क्यों, क्योंकि टोटल रेवेन्यू बढ़ने वाला है सिर्फ एक सीधी कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ने वाला है। तो गाइस ये थे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर रिलेशन किसकी किस चीज के, ए आर और एम आर और टी आर के बीच में। ओके गाइस, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा एआर एमआर और टीआर का रिलेशन अलग अलग मार्केट में, कि क्या एआर घट सकता है या नहीं घट सकता है, कि प्राइस बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, वो सब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो स्टे कंटिन्यू विथ अस विद दिस चैनल, सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे कि आपको अगले वीडियो का तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और हर हफ्ते एटलीस्ट आपको दो वीडियोस नए मिलेंगे इसी 12th इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सो स्टे कंटिन्यू विथ अस एंड स्प्रेड द नॉलेज। Thank you.